जैसे कि नदी में पानी आ रहा है लूनी में, और पीछे सुकड़ी नदी का भी मेजर पानी इसमें आ रहा है, तो एहतियात के तौर पे जो नदी के किनारे गांव हैं या डूब क्षेत्र में जो पूर्व का अनुभव है उनको हम बाहर पहले से ही एडवांस में निकाल रहे हैं, और जहाँ जहाँ रपट में पानी चल रहा है तो वहाँ पे हमने पुलिस के और होमगार्ड के आदमी लगाए ताकि कोई नदी की रपट क्रॉस नहीं करे और जनहानि नहीं हो। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों को भी सतर्क रहना है एहतियात के तौर पे, और जहाँ पे रपट में पानी चल रहा है वहाँ नहीं चले, या तालाब में पानी इकट्ठा हुआ है तो कोई उसमें तैरने के लिए या नहाने के लिए नहीं जाए। और सर पीछे की क्या स्थिति, अभी और पानी बढ़ सकता है या? पानी बढ़ भी गया तो अभी हमारे पास इतनी क्षमता है इस नदी की कि 15 फीट तक भी अगर पानी चलता है तो यूजुअली कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 15 फीट के बाद अगर बढ़ता है तो दिक्कत आएगी, लेकिन जो कैचमेंट एरिया है उसमें अभी इतनी बारिश नहीं है इसलिए सिचुएशन उतना खराब नहीं होगा। जिस प्रकार सर हमने सुना है कि निचले इलाकों को आपने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया, तो कई जगह पे खाली करवाए हैं या नहीं या प्रशासन? कुछ जगह पे जैसे यहाँ पे तो ये स्थिति नहीं है, लेकिन जहाँ पे जैसे गुड़ा मलानी में और धोरीमना की तरफ ज्यादा बारिश हो गई थी तो एक 4-5 घर जो थे उन घरों पे पानी पहुंच गया था, तो एडवांस में हमने उन लोगों को निकाल के स्कूल में पहुंचाया और उनको बाकी सारी व्यवस्थाओं का भी इंतजाम किया। थैंक यू।